नहीं तेरे सर पे, हट जल्दी। आपको ना दिवाली के ऐसे मस्त मस्त DIYs बताऊंगी ना कि घर सुंदर भी रहेगा और साफ भी। तो जल्दी बताओ हमें, अब पहले बच्चों से वीडियो तो लाइक करवा दो, तो जल्दी से 70,000 लाइक्स कर दो और फिर वीडियो शुरू करते हैं। सुंदर से पूजा कॉर्नर डेकोरेशन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक कार्डबोर्ड। तो कार्डबोर्ड के ऊपर इस तरह से ग्लू लगाकर इसके ऊपर कोई भी सिल्वर या गोल्डन कलर का चार्ट पेपर चिपका दें। अब इसकी बॉर्डर बनाने के लिए इसकी चारों तरफ कलरफुल टेप लगा दें। ऐसे शुभ लाभ स्टिकर्स आपको मार्केट में आराम से मिल जाएंगे, तो बस इन्हें इसके ऊपर इस तरह से चिपका दें। अब इसे थोड़ा और डेकोरेटिव बनाने के लिए हम बनाएंगे ये फ्लावर रिंग। तो मार्केट में ऐसे बड़े हुप्स तो इजीली मिल ही जाते हैं, बस इसके चारों तरफ ये फेरी लाइट्स लगा दें और फ्लावर से इसे डेकोरेट कर लें। अब बस इसे अपने पूजा कॉर्नर में सजा लें। था ना ये एकदम इजी, लेकिन देखो कितना अट्रैक्टिव लग रहा है मेरी पूजा में ये। रंगोली बनाने के लिए हमें ड्रॉ करना है सबसे पहले एक सर्कल। इसके लिए आप किसी भी बोल या प्लेट की हेल्प ले सकते हो। अब थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे 3 सर्कल ड्रॉ कर लें। अब व्हाइट कलर लेकर के मुट्ठी की हेल्प से कुछ इस तरह का डिजाइन बना लें और अपने पसंद का कोई भी कलर लेकर के इन पे फिल कर लें। फिर स्पून की हेल्प से इन डिजाइंस को अच्छे से स्प्रेड कर लो। अब अपने पसंद का कोई भी कलर लेकर के रंगोली को और डेकोरेट कर लें। अब बोल की हेल्प से हाफ सेमी सर्कल बनाकर इस डिजाइन को भी अच्छे से फिल कर लें। अब कंट्रास्टिंग कलर से सर्कल के बाहर बाहर छोटे छोटे डॉट्स बना लें। अब आउटर पार्ट पर भी कलरफुल डिजाइन बनाकर इन्हें भी फिल कर लें। अब लास्टली दिए की हेल्प से कुछ इस तरह सा डिजाइन बना लें और देखो कितनी सुंदर लग रही है हमारी रंगोली। सुंदर से बंधनवार बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ कलरफुल फ्लावर और टैसल बनाने के लिए वुलन थ्रेड। तो सबसे पहले फिंगर्स की हेल्प से कुछ इस तरह से टैसल्स बना लें। अब वुलन थ्रेड को टेबल की हेल्प से फोल्ड करते हुए इक्वली कट कर लें। अब टैसल्स को फ्लावर्स के साथ पिरोकर लड़िया बना लें और फिर बस इन लड़ियों को बेस के साथ इस तरह से बांध ले। लो बन गया हमारा बंधनवार। फेस्टिविटीज का टाइम है और मेहंदी लगाना तो सबको ही पसंद होता है, इसीलिए हम लेकर आए ये बहुत ही सिंपल सा मेहंदी डिजाइन। तो जिन लोगों को मेहंदी लगानी नहीं आती वो भी इस डिजाइन को आसानी से बना सकते हैं। बस आपको एक ही तरह के फ्लावर पैटर्न को फॉलो करते जाना है और बस कलाई से इंडेक्स फिंगर तक बेल बना लो और जो बची हुई उंगलियां उसमें छोटे छोटे डिजाइन बना लो और मेहंदी कम्प्लीट है।
यूजुअली हम दिया जलाते हैं तो हमारी दिए की बाती जो होती है वो सीधी होती है, जिसकी वजह से तेल जल्दी खत्म हो जाता है। तो इसके लिए भी हमारे पास एक हैक है। आप अपने दिए की बाती को हल्का यू शेप कर दें, जिससे दिया लंबे टाइम तक जलेगा और तेल जल्दी खत्म भी नहीं होगा। अरे मेरी नकली माता, अपने असली अवतार में आ जाओ। तो ये था हमारा दिवाली स्पेशल DIY वीडियो। तो अपने घर पे डेकोरेशन तो सभी करते हैं दिवाली पे, तुम भी करती होगी? बिल्कुल, मैं तो बहुत सारी करती हूँ। तो अगर इस बार आपको कुछ स्पेशल करना है ना, तो ये DIY जरूर ट्राई करना। तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही मत। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, हैप्पी न्यू।